असम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा संपन्न होने के बाद पार्टी को एक बड़ा झटका लग गया है। अब इसी बीच असम में कांग्रेस की एक महिला नेता ने अपनी ही पार्टी में महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर आवाज उठाई है। कलिया बोर के खुमताई से कांग्रेस विधायक रही बिस्मिता गोगोई ने जब कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उनके ब्लाउज पर टिप्पणी की गई, जिसका उनके जीवन पर नकारात्मक रूप से गहरा असर पड़ा। बिस्मिता गोगोई अब भाजपा में शामिल हो गई है। उन्होंने बताया कि यह वाक्या तब का है जब वो कमल के फूल की डिजाइन वाली ब्लाउज पहनी हुई थी। उन्होंने बताया, मैंने कभी इस बारे में कहा कि मेरा ब्लाउज की डिजाइन कमल के फूल वाली है। इस डिजाइन के ब्लाउज पहनना एक सामान्य बात है। मैं यहाँ सार्वजनिक रूप से ब्लाउज के बारे में बात करने से कठिनाई महसूस कर रही हूँ। यह घटना भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की है, जब राज्य स्तर पर खुमताई में इसका आयोजन हुआ था। उसी दौरान मैंने ये ड्रेस पहनी थी। कांग्रेस नेताओं ने यह सब देखकर सोचा कि मैं भाजपा में शामिल होने जा रही हूँ। बिस्मिता गोगोई ने यहां तक बताया कि कांग्रेस की आलाकमान भी राजीव भवन में इसी मुद्दे पर बात कर रही थी। असम सरकार में मंत्री रही बिस्मिता गोगोई ने बताया कि यह घटना उनके लिए काफी अपमानजनक थी। जब उन्हें इसके बारे में पता चला तो वो रो पड़ी। बिस्मिता गोगोई ने बताया कि उन्हें सिर्फ मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, बल्कि पार्टी की आंतरिक बैठकों से भी दूर रखा गया। उन्होंने बताया कि यह एक महिला का अपमान था, इससे मुझे वास्तव में ठेस पहुंची थी। बिस्मिता गोगोई ने कहा, उस दिन उनकी प्रतिष्ठा खत्म कर दी गई थी। उन्होंने पूछा कि जिस दल में महिला विरोधी बातें होती हो, वहां लोग कैसे रुक सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हर कदम पर उनकी मानसिक प्रताड़ना की गई। बिस्मिता गोगोई ने बताया कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि वो उसके कामकाज में शामिल हो, महत्वपूर्ण फैसले लेने में उनकी सहभागिता खत्म कर दी जाए। कांग्रेस और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन AASU के 150 से अधिक नेता रविवार को भाजपा में शामिल हो चुके हैं। असम की ही एक अन्य महिला नेता अंगकिता दत्ता भी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। इसके बाद कांग्रेस ने डॉक्टर अंगकिता दत्ता को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा था, श्रीनिवास पिछले 6 महीनों से उन्हें परेशान और प्रताड़ित कर रहे हैं, लैंगिक टिप्पणी करते हैं, अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से इसकी शिकायत करने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। वहीं एक दिन पहले को ही गोलाघाट में खुमताई निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस विधायक ने पार्टी से इस्तीफा दिया था। उन्होंने अपना इस्तीफा असम कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को भेजा था। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।